आई नो कि आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, और मैं आपकी मदद करती हूँ कि आप उस चैलेंज से बाहर आ जाएं। सबसे पहले कारण को जानते हैं कि क्यों ल्यूकोरिया होता है, क्यों वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है पेट साफ नहीं होना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आपका पेट साफ नहीं होगा, दूसरा अगर आपको कंटिन्यूअसली यूरिन इन्फेक्शन बना रहता है, तो वो वेजाइनल इन्फेक्शन में कई बार कन्वर्ट होता है। यूरिन के रास्ते से वो इन्फेक्शन वेजाइना तक चले जाता है, उससे ये चीज़ें होती है। तीसरा, अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आप समय पे उठते जागते नहीं है, सही तरीके से खान पान नहीं करते। चौथा, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है किसी कारण से, तो ये परेशानी होगी। इसी तरीके से अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसने अभी अभी डाइटिंग छोड़ी है, या अभी अभी ऐसा कुछ किया जिसके कारण बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगा है बॉडी में, तो भी आपको ये चीज़ें होंगी। और कई बार अगर आपका मेंसुरेशन गड़बड़ है ना, अगर आपकी पीरियड साइकिल बिगड़ी हुई है, तो भी ये तकलीफ होती है। तो ये कारण है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से कारण के वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है, राइट। और हाँ, एक चीज़ और, कई लोग बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन लेते हैं, जिससे दिमाग थक जाता है, तो ये भी इसमें आएगा। जो मैंने कमजोरी की बात की, तो आपकी मानसिक कमजोरी भी इसमें आएगी। और साथ ही साथ, जरूरत से ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, शरीर से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं, वर्कोहलिक होते चले जा रहे हैं, तो भी ये तकलीफ होगी। सो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, काम डाउन होइए, मेडिटेट कीजिए, शवासन करिए, ये सबसे पहला प्रयोग होगा इसको ठीक करने का, ठीक है। और इससे एक चीज़ और होगा कि आपके अंदर एनर्जी बचेगी ना, एनर्जी सेव होगी, तो भी आप इस परेशानी से बचेंगे। तो ये तो आपको करना ही है, पांचों छहों में से कोई भी रीज़न हो तो भी। इसके बाद लाइफ स्टाइल सुधारनी है, सही समय पे सोना है, बहुत ज़्यादा चाय नहीं लेनी है, इसका ध्यान रखना है। देखिए, ऐसा होता है कि कमजोरी के कारण वाइट डिस्चार्ज होता है, और वाइट डिस्चार्ज के कारण कमजोरी आने लगती है, ऐसे वाइस वर्सा होता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखिएगा जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ, कि आपको रेस्ट करना ही है, अपना डाइट सही करना है ना। कई लोग नाश्ता नहीं करते, स्पेशली अगर मैं देखूं आज की जो लड़कियां हैं, मतलब जो 30 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, और उनको ये शिकायत हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो समय पे खान पान नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड रहती, मतलब उनके खान पान में ना तेल होगा, ना घी होगा, ना दूध होगा, राइट, ना ड्राई फ्रूट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके कारण वो तकलीफ़ में रहती हैं, तो उन और ना नाश्ता सही होगा। सो उनको क्या करना है, या जिसको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, उसको नाश्ता सही समय पे करना है। आप 6 बजे अगर आप उठ रहे हैं, तो 8 बजे तक नाश्ता कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, अपने खान पान में दूध लीजिए, आप ड्राई फ्रूट शामिल करिए, फल शामिल कर सकते हैं, केला वगैरह हो गया, ये बहुत अच्छा है, जिससे शरीर में ताकत आए, है ना। और अगर कब्ज रहती है, तो कब्ज के विषय में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो आप देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो उससे वहाँ से उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यूरिन इन्फेक्शन है, तो यूरिन की जगह पे आप पानी से आप वॉश करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप ध्यान दीजिए, है ना। और अगर वॉश आउट करते हैं, आप उस जगह को क्लीन करते हैं, आपके वेजाइना को, यूरिन की जगह को, तो उसके बाद आप एक कॉटन के कपड़े से उस जगह को पहले पोछिए, फिर इनर वेयर पहनिए, अदरवाइज गीले के कारण वो तकलीफ़ और बढ़ेगी। मेंसुरेशन में गड़बड़ है, होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, मुझसे कंसल्ट करिए, और उसकी मेडिसिन लीजिए, तो उससे फ़ायदा होगा आपको, है ना। तो पीरियड सही होगा, तो ल्यूकोरिया भी आपका सही हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए अंदर कोई यूट्रस में, वेजाइना में कहीं पे अगर तकलीफ़ है, तो वो फिर अगर ऐसा कुछ है, तो उसकी भी दवाइयाँ दी जाती है, फिर वो जब सही होगा, तो फिर ये वाइट डिस्चार्ज बंद होगा, वो भी कई बार रीज़न होता है। ऐसे ही नींद सही करिए, ताकत बढ़ाने के लिए आप ड्राई फ्रूट हो गया, ये आप लेंगे तो काम होगा। दूसरा, जैसे खजूर हो गया, खजूर बहुत अच्छा है, खजूर अगर आप खाएं, जो पिंड खजूर होता है ना, तो उससे ताकत आएगी। अभी गर्मियों का सीजन है, तो आम बहुत अच्छा है। अभी आप खजूर नहीं भी खाते हैं, तो आम लीजिए, आम जो पका हुआ आम होता है, उससे बहुत जल्दी आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी, है ना। दिन भर में एक आम आप आराम से खा सकते हैं। घी जरूर खाइए, अपने खान पान में शामिल करिए, दूध जरूर लीजिए, और ड्राई फ्रूट अगर आप लेंगे, तो कितना लेंगे, 4 बादाम, 2 काजू, 8-10 10-20 दाना किशमिश, किशमिश बहुत अच्छी है इसके लिए, है ना। तो इससे आपको फ़र्क दिखेगा। ऐसे ही मखाने बहुत अच्छे हैं, अगर आप उसे 10 से 12 दाना लें, थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लें, घी, हल्दी और एक चुटकी सेंधा नमक या काला नमक,
तो उससे भी आपको इसमें बहुत आराम लगेगा। दिन में एक बार जरूर ट्राई करें। हल्दी एक पिंच से ज़्यादा ना डालें। काजू, किशमिश, बादाम, खजूर, ये चार चीज़ें हो गई। और दूध हो गया, ये तो आपको लेना ही है। इसके साथ अगर जैसे यूरिन की मैंने बात की, इसी तरीके से कई सारे होम्योपैथिक में ड्रॉप्स आते हैं, कई सारे ऐसे माल्स आते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप डॉक्टर से मिले, वो आपके हेल्थ के हिसाब से, आपकी सेहत को देख के, प्रकृति को देख के, फिर वो सही से आपको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो आप करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे ही कई बार आपका जो दर्द आपको कमर में पकड़ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने एक दर्द के लिए भी कमर दर्द का इलाज करके भी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए पीरियड इश्यूज़ के कारण या फिर ये वाइट डिस्चार्ज जाके जो आपको कमर में दर्द हो रहा है, वो ठीक आप जो करना चाहते हैं वो उस वीडियो से ठीक हो जाएगा। सो ये आप दिन में कई बार शवासन कर सकते हैं, मतलब बिस्तर में से तकिया को साइड कर दीजिए और बिल्कुल चित्त लेट जाइए। दिन में 3-4 बार, 2-4 मिनट के लिए भी आप करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, है ना। और तेल मालिश आप शरीर में कर सकते हैं, जैतून तेल शरीर पे लगा सकते हैं, तो उससे आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी, तो धीरे धीरे ये चीज़ें सही हो जाएगी। और बस अपना खान पान ध्यान रखिए, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होने दीजिए, पानी अच्छे से पीजिए। पब्लिक टॉयलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले डेटॉल या कोई चीज़ वहाँ पे आप पहले डालिए, फिर उसके बाद यूरिन जाइए। सो ये सब तकलीफ़ कम होगी। सो ये सब करिए और अपनी लाइफ अच्छी बनाइए। वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।